तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ बातचीत की थी कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जाता है, क्या बेनिफिट्स है और मोस्ट यूजेस कमांड के बारे में डिस्कस किया था। तो सुनील जी, आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दूसरी क्लास। तो सबसे पहले हम एक फाइल आपके सामने लिए हुए हैं। अब इस फाइल में देखिए, हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मोस्ट यूजेस कमांड, मतलब जो बाहर अवेलेबल है, तो जो बाहर अवेलेबल है वो क्या है, मोस्ट यूजेस है, पूरे कमांड नहीं। जैसे कि हम बात कर लें कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ऐसे फीचर्स इसमें नहीं है। इसके लिए हम यहां मोर रूल्स के ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे? मोर रूल्स के ऊपर। एंड मोर रूल्स में हमारे पास एक कमांड में देखिए यहां पे पूरा है, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं नॉट बिटवीन को ही सिलेक्ट कर लिया, अपने फिगर दिया कि 50 टू 80 के बीच को हाईलाइट ना करे, और यहां पे मैंने दिया कि फॉर्मेट सिलेक्ट कर ले अपना, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप यहां सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कीजिएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे करना है कि यहां हाईलाइट करना है कि 50-80% को छोड़ के बाकी सारे हाईलाइटेड हो जाएं, तो उस केस में हम यहां न्यू रूल्स पे भी जा सकते हैं और मोर रूल्स पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। और यहां पे हमने नॉट बिटवीन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे मैं डालता हूं 50% to 80%, और फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, देन ओके। तो देखिए हाईलाइट हो गया। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी मोर रूल्स के अंदर। तो बाकी फीचर्स आप अप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अप्लाई करके। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट है सेल वैल्यू, अगर मैं सेल टेक्स्ट के ऊपर बात करूं, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपके सामने कि यहां टेक्स्ट कंटेन दैट था, टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या था कि जैसे कि आपके सामने यहां पर आपको दिख रहा है जिसमें ऑयल एंड गैस की कंपनी बहुत सारे है, मैं चाहता हूं जो गैस कंपनी है वो हाईलाइटेड हो जाए। तो ऑयल जो हुआ ये प्रायोरिटी हुई, गैस जो हुआ सेकेंडरी हुआ। तो मैं चाहता हूं जहां जहां गैस है वहां वहां हाईलाइट कर ले। तो इसके लिए हमने टेक्स्ट दैट कंटेन का इस्तेमाल किया था, बट मैं चाहता हूं वाइल का करना। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हमारा एक कंपनी है जिसमें गैस प्रायोरिटी है एंड वाइल सेकेंडरी है। तो अगर मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन में गया और यहां पे वाइल डाल दिया तो क्या हुआ कि वाइल प्राइमरी वाला भी और सेकेंडरी वाला भी हाईलाइटेड हो गया, बट मैं चाहता हूं कि हाईलाइट करना स्टार्ट विथ वाइल, मतलब मैं जो चाहता हूं कि भाई मैं फर्स्ट करेक्टर हमारा इतना होना चाहिए, चाहे ए होना चाहिए, अगर फर्स्ट करेक्टर ए है तो हाईलाइट करो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे स्टार्टिंग में वाइल होना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी हो सके। तो उस केस में मैं मोर रूल्स पे जाऊंगा, सेल वैल्यू को चेंज करूंगा टेक्स्ट के ऊपर एंड कंटेनिंग में मैं सिलेक्ट करूंगा बिगेन विथ। बिगेन विथ में मैं जाऊंगा और यहां पे डाल दूंगा ओएल। फॉर्मेट जाऊंगा, अपनी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करूंगा, देन ओके एंड ऑल्सो ओके। यहां देखिए गैस एंड ओएल हाईलाइटेड नहीं हुआ। तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। अब जो मान लीजिए मैंने लगा रखा है इसको डिलीट करना है, तो यहां आता है क्लियर रूल्स, क्लियर फॉर एंटायर शीट और सिलेक्टेड सेल। तो मैंने सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दिया, ए हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगा हुआ था वो डिलीट हो गया। इसी तरीके से यहाँ टेक्स्ट के अंदर में आप नॉट कंटेनिंग बिगेन विथ एंड विथ ट्राई कर सकते हैं।
नॉट कंटेंट मतलब कि अवार्ड इसमें होना ही नहीं चाहिए, बिगन में स्टार्टिंग में ही होना चाहिए एंड बेस लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद हम डेट ऑकरिंग की बात करें। अब डेट ऑकरिंग नॉर्मल है, जो बाहर था जो हमने सिखाया था वही है। ब्लैंक ब्लैंक को हाईलाइट कर देगा, नो ब्लैंक जिसमें कुछ वैल्यू टाइप है उसको हाईलाइट कर देगा। एरर, एरर एक अच्छी चीज है जो बता सकता हूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर्मूले के जरिए जस्ट लाइक वी लुकअप के जरिए हम कुछ वैल्यू को लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एन में आता है इस तरह से। हालांकि फॉर्मूला इस एरर हमारे पास है, उसकी मदद से हम इस एरर वैल्यू को हटा सकते हैं, मतलब कि उसको किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा ए विजुअल ही ना हो, एक्चुअली में एम में हो बट विजुअल ना हो। तो उस केस में हमने इसको सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू पे गए, मोर रूल्स पे गया और यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया एरर। फॉर्मेट में आया, फॉर्म पे गया, तो बेसिकली मैंने देखा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, तो मैं यहां पे व्हाइट टेक्स्ट कलर लेता हूं, क्योंकि मेरे बचपन की एक बात इससे याद आ गई थी मुझे, जब मैंने स्लाइफ से अप्लाई किया था बचपन में, मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ते थे तो मैं गलती से व्हाइट मार्कर ले आया था। हमारे बॉस ने, हमारे टीचर थे उन्होंने बताया कि व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से लिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। सेम चीज, बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर उसकी फोरग्राउंड व्हाइट कर दू तो कुछ विजुअल नहीं होगा। और सेम यहां मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बट एक्चुअली में है एन है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड बदलता हूं तो आपको दिखने के आ जाएगा। तो एरर का इस्तेमाल उस तरह से किया जाता है। तो मोर रूल्स में हमने एरर को भी देख लिया, नो एरर, तो एरर के अलावा जो कलर हो जाए। उसके अलावा ये आपका आता है टॉप बॉटम, जो बाहर दिखाया था वही था, अबव बिलो जो बाहर था वही था, फॉर्मेट यूनिक वही था, और ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें फॉर्मूला की बात आती है, तो फॉर्मूला में चलने से पहले हम थोड़ी सी आइकन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे आइकन शो करना है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक नया एग्जाम्पल तैयार करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ और यहाँ पे हम देते हैं सेल्स स्कोर, स्पेलिंग मिस्टेक। अब यहाँ पे मैं रैन बिटवीन द कॉमा लगा के कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, लिया सेल्स का जो वैल्यू। अब मुझे इसमें क्या करना है कि अगर लेस देन 40 है तो होना चाहिए सेल, 40 to 60 है तो होना चाहिए रीटेस्ट, और ग्रेटर देन लेस देन वो होगा ना, ग्रेटर देन 60 है इसका मतलब है पास। तो ए मुझे यहां पे देने, तो जनरली लोग जो एक्सेल को जानते हैं बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला दे दूंगा, इसका फॉर्मूला देखिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसका फॉर्मूला नहीं देना चाहता, मैं इसको सिंबल की मदद से शो करना चाहता हूँ। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और कंडीशन फॉर्मेटिंग के आइकन्स में हमारे पास ए आइकन होता है, तो मैंने सोचा जो टिक मार्क है उसको हम दे देंगे पास, एक्सप्रेशन मार्क को दे देंगे रिटेस, एंड क्रॉस जो है उसको दे देंगे से, इसको अप्लाई कर दिया। बट यहां अभी मेरे कंडीशन के मुताबिक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जो कंडीशन दिया है वो इसमें है, ये कैसे उसको पता चलेगा। यहां देखिए 39 को भी एक्सप्रेशन मार्क दिया हुआ जबकि इसको फेल देना चाहिए, तो क्योंकि हमने अपनी कंडीशन इसमें फीड नहीं किया है, तो यहां पर हम अपनी कंडीशन को फीड करेंगे। कैसे फीड करेंगे हम आपको बताते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और इस मैं गलत चला गया आइकन से, लेकिन मुझे नया आइकन ऐड नहीं करना, ऑलरेडी जो आइकन है उसको
करेक्ट करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ मैनेज रूल पे आएंगे। मैनेज रूल में क्या होता है कि जो पेन सिलेक्शन या एंटायर शीट या एंटायर वर्कबुक में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है उसका लिस्ट यहाँ दे देगा। तो लिस्ट ये दे रहा है, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये आइकन का स्टाइल ये है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे कंडीशंस है, तो यहाँ पे परसेंट दिख रहा है, मतलब ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मैं इसको नंबर में डालता हूँ, यहाँ भी नंबर डालता हूँ और ए हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन कर दीजिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं भी रख सकते। यहाँ लेस देन है। अगर आइकन चेंज करना चाहते हो इंडिविजुअली तो यहाँ पे इंडिविजुअली आइकन भी चेंज किया जा सकता है। देन ओके, देन अप्लाई। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से आया, बट यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो गई कि पता नहीं चलेगा ना कि कौन किसका है, चॉइस किसके लिए है, अंदाजा कैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ आएंगे 3, 2, 1, हम ऐसे नंबर को लिखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और आइकन सेट, माफ कीजिए, हाँ आइकन सेट में आएंगे और हम इस आइकन को अप्लाई कर लेते हैं। अब रिपोर्ट देखने वाला कंपेयर कर सकता है, बट एक कभी कभी कंफ्यूजन होगी, किसी ने पूछ दिया कि 1, 2, 3 क्या है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ सिंबल को शो करना। तो यहाँ हम मैनेज रूल में आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ शो सिंबल ओनली यहाँ हम डाल दिए, दैट ओके, देन अप्लाई। अब सिंबल नहीं दिखेगा। गलती से अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1, 2, 3 हो गया, मतलब उल्टा हो गया, तो नंबर चेंज करने के बजाय आप मैनेज रूल में जाइए और इसमें रिवर्स आइकन ऑर्डर कर दीजिए, ये रिवर्स हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। अब इसका एक और बेनिफिट है, हमसे किसी ने सवाल पूछा गया था कि मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा है और मैं चाहता हूं इस पे आइकन लगाना, बट उनकी एक कंडीशन थी कि आइकन सेल में डेटा है उस सेल में नहीं लगना चाहिए, उसके बगल वाले सेल्स पे लगना चाहिए। आइकन ही नहीं, मतलब हाँ आइकन यहां पे लगना चाहिए। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके इस आइकन लगाते हो तो वो आपका उधर ही होगा, इसी सेल पे लगेगा, किसी और सेल पे नहीं लगने के चांसेस हैं, तो क्या करें। तो इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल प्रेस करके हमने इसको लिंक कर दिया, इस तरह से लिंक हो गया। फिर यहाँ पे मैं न्यू रूल पे आया और अपनी जो आइकन है वो लगा दिया और यहाँ मैनेज रूल पे गए, इस पर डबल क्लिक किया, इस पर डाल दिया शो आइकन ओनली, क्या डाल दिया शो आइकन ओनली, इसको क्लिक करके और इसको ओके कर दिया एंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ तीन ही कंडीशन ले सकते हैं, अगर हम 4-5 कंडीशन लगाना चाहें वो नहीं लगेंगी सर? नहीं, इस पे तीन ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है जी, जितने भी हैं सभी में जी। 4-5 के लिए आपको यहाँ है ना, ये देखिए 5 आइकन, ये आपका 2-3 के लिए हो गया, ये आपका 4 के लिए हो गया, ये आपका 5 के लिए हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अब डेटा बार हमने किया, अब डेटा बार में देखिए क्या है, इसकी डबल क्लिक करते हैं तो आप अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं कि क्या कलर होना चाहिए और यहाँ पे कंडीशन की मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, और यहाँ भी है शो डेटा बार ओनली, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेम, तो मेरे हिसाब से आइकन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। यस सर। अब हम आइकन की बात करते हैं, आइकन के बाद हम बात कर रहे हैं आपके साथ कैलकुलेशन। रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा रिकॉर्डिंग का, ये बार बार आपने रिकॉर्डिंग शुरू कहाँ किया है सर? यहाँ पे एक बना हुआ, वो तो मेरा चल रहा है सर।
सर देना परमिशन, परमिशन दिया हुआ है, परमिशन में पुष्पा को देख के बोल भी दिया था मैंने कि परमिशन दे दिया, पर ये तो हो ही नहीं रहा अभी। देखो ऑल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो ही तो होगा सर, किया था मैंने, बीच में बंद हो गया था। अब हुआ सर, आपने दो बार कर दिया होगा। अच्छा दो बार करने से बंद हो जाता है, एक बार ऑन ऑफ होता है ना, एक बार अगर क्लिक किया तो ऑन हो गया, दूसरे बार में ऑफ होता है, तो आपने दो बार कर दिया तो ऑन हो गया ऑफ हो गया। ठीक है ठीक है, ऐसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको दे दूंगा। सर मुझे थोड़ा सा डाउट उसमें है, जो 1 2 3 आपने दिया था ना वो, उस वाले में थोड़ा सा मेरे को डाउट सा लग रहा है। कौन सा 1 2 3? जो आपने वो दीजिए उनको सीरियल नंबर, हाँ ये हाँ ये कैसे दिया था? टाइप कर दिया था हमने, 1 2 3 टाइप कर दिया और इससे सेलेक्ट किया और आइकन अप्लाई कर दिया। अच्छा 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 उसके हिसाब से उठा लेगा वो। हाँ ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूला, इसके अंदर फॉर्मूला कैसे ऐड किया जाए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अभी अभी तक जो मैं कंडीशन लगाया है वो क्या था, जहां पे मेरा कंडीशन है वहीं पे कलर हुआ है। जैसे आप यहाँ देखें आइकन ही देखें कि जहां पे डेटा है वहीं पे आइकन लगा, तो सेम चीज हम यहाँ पे करना चाहते हैं, बट थोड़ा चेंज। मैं चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर है तो ये पूरा डेटा हाईलाइटेड हो जाए, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कलर हो जाए। तो इसके लिए कोई कंडीशन तो है नहीं, हमें न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला करना पड़ेगा। अब यूज फॉर्मूला आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप सिलेक्शन सिर्फ सिंगल सेल करें। यूज फॉर्मूला में आपने सिलेक्शन अगर मल्टीपल सेल कर दिया तो दिक्कत होगा, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया तो दिक्कत होगा। यूज फॉर्मूला में सिर्फ सिंगल सेल सिलेक्ट होता है, इसका ध्यान आप रखिएगा। तो उस केस में यहां हम जाएंगे, यहां पे देंगे कंडीशन कि ए, इसको सेलेक्ट करते हैं कि ए इक्वल टू सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर टेक्स्ट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डाला हमने। सी टू को हम यहां से डिलीट कर देंगे, क्यों? जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा फॉर्मेट को तो सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव होना चाहिए, बट सी के आगे का डॉलर हमने क्या किया, नहीं हटाया, क्योंकि सी हमारा फिक्स है। कॉलम सी तो आई दो अलग अलग है ना, फिल में आया हमने इसे मान लीजिए ग्रीन कलर डाल दिया एट ओके। अब उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर से लिया और हमने इसको पेंट कर दिया, जहां तक डेटा है वहां तक हमने इसको पेंट कर दिया। तो जहां जहां सॉफ्टवेयर वाला हाईलाइट हो गया सर, पूरा का पूरा डेटा इस तरह से आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर आगे सॉफ्टवेयर है ना पूरा वो फिट हो गया, अगर इधर भी कॉलम के इधर भी कुछ होता तो इधर भी कर देता सर ये। हाँ जितना हमने क्या किया है, कॉपी किया, मतलब कि हमने फॉर्मेट सेंटर से इसको पेंट किया है, तो जहां तक पेंट करेंगे वहां तक करेगा। अगर मैंने अगर चार कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया तो चार कॉलम भी कर देगा, देखिए कर दिया। अच्छा ठीक है करना सर, क्या बोल रहे हैं इस वाले को रिपीट करना, ये वाला थोड़ा सा मेरे को आया। चलिए बताता हूँ आपको, बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा कंडीशन कहीं और हो, कलर कहीं और हो। मैं चाहता हूँ कि अगर इस कॉलम सी के अंदर में जिस जिस सेल के अंदर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा उसका रो हाईलाइटेड हो जाए, समझ गए? Yes, sir. तो हम एक सिंगल सेल पे कर्सर रखेंगे, एक सिंगल सेल पे कर्सर रखेंगे, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहां पे सिलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला पे फिर मैं जहां सिलेक्ट किया हूं वहां पे इसको सिलेक्ट नहीं किया, यहां जो आपका कॉलर है जहां मैच करना है उसके एक सिंगल सेल को सिलेक्ट कीजिए और इक्वल टू अपना कंडीशन लगा दीजिए। जैसे कि मैंने यहां पे लगा दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये डॉलर साइन लगा हुआ है तो रो नंबर के आगे का डॉलर हटा दीजिए, तभी तो इंक्रीज होगा ये। और फिर फॉर्मेट में जाइए और इसे कलर कर दीजिए, जो भी कलर करना कलर करना।
एंड अप्लाई। उसके बाद जहां पे आपने कर्सर रख रखा है उस पे उसी पर रहने दें और यहाँ फॉर्मेट सेंटर पे क्लिक करें और जहां तक आपका डेटा है वहां तक इसको ड्रैग कर दें फॉर्मेट को। आया समझ में? हाँ जी सर आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल हम यहाँ बताते हैं। यहाँ पे नेम है, तिथि है, डेट है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि मैंने इसको डेट फॉर्मेट में रख दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं डेट फॉर्मेट में और एंट्री भी कर देता हूं कि पूजा, एरो एंट्री कर देता हूं मैं यहां पे, तो यहां पे हमने डाल दिया। आ गया सर? और यहां पे सेल्स भी कर देता हूं मान लीजिए। अब मुझे जो है यहां पे मान लीजिए लुकअप करना है, इसको कॉपी कर, हमने इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर, लिंक मान लीजिए कर देता हूं लिंक। तो अभी हमें डेट इस तरह से नंबर में आ रहा था इसलिए हमने इसको फॉर्मेट कर दिया डेट का। अब हुआ क्या कि यहां जो है डेट जो है चेंज हो गया एमआरपी, हमारे डेटा में डेट जो है चेंज हो गया एमआरपी और इस तरह से एमआरपी आ गया। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको जनरल फॉर्मेट में कर दिया, यहाँ डेटा में हमने कर दिया, बट यहां नहीं हुआ। यहां से भी आपको जनरल फॉर्मेट करना पड़ेगा वापस, समझ गए? फिर कल के डेट में क्या हुआ, वापस डेट हो गया है। अब वापस डेट हो गया तो फिर वापस यहां मुझे डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर हेडिंग डेट है यहां पे ऑटोमेटिकली डेट का फंक्शन अप्लाई हो जाना चाहिए, डेट का फॉर्मेट अप्लाई होना चाहिए। अगर एमआरपी है तो एमआरपी ही रहना, एमआरपी है तो नंबर रहना चाहिए। बात समझे कि नहीं? हेलो सुनील जी, समझ में आया आपको? हेलो हाँ जी सर, समझ में आया कि नहीं? आ रहा है थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो मतलब कि मैं चाहता हूं ना कि होता क्या है कि यहां पे एमआरपी और डेट बदलते रहता है। ये डेटा मान लीजिए ना किसी डेटाबेस से लिंक है, ये तो मैं मैनुअल टाइप कर रहा हूँ, बट किसी डेटाबेस से लिंक है और उस डेटाबेस से लिंक करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन या कोई समरी निकाला होगा, तो एक तो डेटाबेस से लिंक है तो अपने आप चेंज हो जा रहा है, बट ये फॉर्मूला से है तो मुझे इसको मैनुअली चेंज करना पड़ता है, कंट्रोल से हैश करके नंबर करके चेंज करना पड़ता है, समझे? तो मैं चाहता हूं कि अगर ऊपर का हेडिंग चेंज हो तो इसका फॉर्मेटिंग भी अपने आप चेंज हो जाए। तो हमने सिंगल सेल पे सिलेक्ट किया और गया न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला पे और यहां हमने क्या किया, M1 को सिलेक्ट किया। हमने बोला कि M1 अगर इक्वल टू डेट है तो फॉर्मेट में जाए, नंबर फॉर्मेट पे जाए, डेट में जाए, और हमने डेट का अपना फॉर्मेट चूज कर लिया कि डेट हो जाए, समझे? अब यहां पे जो है हमारा M1 फिक्स होगा क्योंकि हमारा हेडिंग फिक्स है, इसलिए फिक्स होगा। फिर फॉर्मेट पेंटर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब यहां पे देखिए जैसे मैं यहां पे डेट डाला और यहां पे डेट डाला, देख रहे हैं डेट चेंज हो गया ना सर? नहीं सर, ठीक है सर, हमने उधर कंडीशन दे दी उसको। हाँ कल के डेट में डेट के जगह पे यहाँ एम आर पी हो गया। एम आर पी जैसे डालूंगा ये देखिए वापस नंबर फॉर्मेट में आ गया। ठीक है? यस सर।
वापस नंबर फॉर्मेट में आ गया। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज होता है। अब इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले दिए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ अकाउंट नंबर है, जैसे कोई इस कॉलम में टेक्स्ट एंट्री करे हाईलाइट हो जाए, क्योंकि अकाउंट नंबर एंट्री करना है इसमें, तो 1 2 3 करता है तो ठीक है, किसी ने एडिजरी कर दिया तो हाईलाइट होना चाहिए। तो सेल में 1 2 3 है या आपका 1 2 3 है या टेक्स्ट है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए यूज करना होगा इज टेक्स्ट का फॉर्मूला। इज टेक्स्ट को सिलेक्ट किया नीचे तो क्या होगा, बताएगा ट्रू एंड फॉल्स। अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू और नंबर हुआ तो फॉल्स, और कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारा ट्रू पे चलता है। तो यहां हम न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में आते हैं और हम इस पे इज टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल करके माफ कीजिएगा, इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और फिर इसको हमने सिलेक्ट किया। और जाहिर सी बात है डॉलर साइन जो रो के आगे का है उसको डिलीट कर दूंगा ताकि 2 3 4 5 नीचे की तरफ आए। उसके बाद हम यहां पे फॉर्मेट ले लिया, देन ओके। अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देता हूं, क्लियर हो गया। नंबर टाइप कर रहा हूं तो ठीक है, जैसे ही हमने टेक्स्ट टाइप किया यहां लेके हो गया, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ये आ गया आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्टर की। कंडीशन वर्डिंग यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, होल्ड करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है इन टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले है, हमने अभी तक फॉर्मूले किए नहीं। तो कंडीशन वर्डिंग की एक और क्लास लूंगा मैं एडवांस कंडीशन वर्डिंग की, वो हम बात करेंगे फॉर्मूला सीखने के बाद। हाँ, तब ज्यादा क्लियर होगा, तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अभी जो है उतना आपको क्लियर नहीं होगा। तो फॉर्मूला एक बार सीख लें उसके बाद चलें। तो अगली टॉपिक होगी हमारी प्रोटेक्शन मेथड की, जो कि हम बात करेंगे कल की क्लास में। आज की जो कंडीशन वर्डिंग है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय।